Hello guys, in this video I'm going to tell you how to find a BFS traversal for a graph. So sabse pehle is graph jo maine example liya hai, is graph mein char vertices hai a b c d. So ye BFS traversal kya karta hai, basically ye graph ko tree mein convert kar deta hai. Aur graph aur tree mein kya main difference hota hai ki graph mein cycle ho sakte hai but tree mein cycle nahi hote, because as per the definition of tree is acyclic graph. Acyclic graph means जिसमें ऐसा graph जिसमें cycle ना हो. So let's see how can we find traverse by BFS traversal for a graph. And in next video I'm going to tell you how to find a DFS traversal for a graph. So BFS means होता है breadth first search. So कैसे find करता है, तो ये basically adjacent based algorithm है. तो suppose हम start करेंगे सी वर्टिसेस से. अगर हम सी वर्टिसेस से स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सी के वर्टिसेस कौन कौन, सी के एडजेसेंट कौन कौन से. तो सी के एडजेसेंट है ए एंड डी, और ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है बिकॉज हमें डायरेक्शन गिवन है एजेस में भी. तो जैसे सी से क्या ए एज गया है, और ए से सी है, ए टू बी है एंड बी टू सी है, बट ए टू बी है बट बी टू ए नहीं है, एंड डी से डी इटसेल्फ है. So, ये एक और एज, एक और है. और नाउ लेट्स फाइंड, तो बेसिकली जो बी एफ एस ट्रेवर्सल है वो क्यों यूज करता है. सो कैसे यूज करते हैं क्यू, लेट्स सी. सो सपोज अभी हमारा क्यू क्या होगा, जैसे हमने स्टार्ट करा क्यू से, तो हमें क्यू क्या होगा, क्यू में आ जाएगा हमारा सी. और जैसे हम किसी वर्टेक्स को विजिट करते हैं उसे क्यू में एन क्यू कर देंगे, एंड ट्रेंड क्या होगा हमारी, अभी प्रिंट होगा हमारा नल, बिकॉज प्रिंट कुछ नहीं करेंगे हम, क्योंकि जब तक हम डी क्यू नहीं करेंगे क्यू से तब तक हम आउटपुट प्रिंट नहीं कराएंगे. उसके बाद हमारा क्यू क्या होगा, नल, क्योंकि हमने क्यू को डी क्यू कर दिया. एंड देन प्रिंट क्या करेंगे हम, सी. अब जो सी के एडजेसेंट है उन्हें विजिट करेंगे, तो सी के एडजेसेंट को जैसे विजिट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हें क्यू में एन क्यू कर देंगे. तो क्या कौन कौन से एडजेसेंट वर्टिसेस है, ए कॉमा डी. सो हमें पहले आप सबको मार्क करना पड़ेगा कि हमने कौन कौन से वर्टिसेस विजिट कर चुके हैं, बिकॉज अगर हमने ये वर्टिसेस मार्क नहीं करेंगे कौन कौन से विजिटेड हो चुके हैं वर्टिसेस, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग लूप क्रिएट हो जाएगा जिसे हम रोक नहीं पाएंगे एल्गोरिथम में. तो इसलिए हम हर वर्टेक्स को मार्क करेंगे कि ये वर्टेक्स विजिट हो गया है. तो दैट्स मार्क इट एंड लेट्स डू दैट. सो इसे मार्क कर देते हैं, सी विजिटेड हो गया एंड ए और डी विजिटेड हो गया, सॉरी ए और डी विजिट हो गया. सो नाउ और जो हमारा प्रिंट क्या आएगा, प्रिंट करेंगे हम, लेट मी चेंज द कलर. सो हम प्रिंट करेंगे पी आर प्रिंट सी. अभी डी क्यू नहीं करा क्यू से कुछ भी. अब क्या करेंगे, डी क्यू करेंगे क्यू से ए, और डी क्यू करेंगे क्यू से ए तो बचेगा क्या, डी. एंड प्रिंट क्या होगा हमारा, सी कॉमा ए. एंड ए का एडजेसेंट क्या है, बी, तो बी भी विजिट करेंगे. तो जब बी को विजिट करेंगे तो क्यू में एन क्यू करेंगे बी को. सो क्यू क्या होगा हमारा, डी कॉमा बी. एंड मार्क करना पड़ेगा उसे. तो हम कुछ भी फंक्शन में या प्रोग्रामिंग में हम इसमें बुलियन फंक्शन या ऐसी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे 01. तो जैसे विजिट हो गया तो 1 इसके लिए कर देंगे, और अनविजिटेड है तो 0 देखेंगे, और कंडीशन को चेक करते रहेंगे कि ये वर्टिसेस अनविजिटेड है विजिटेड है. जब तक अनविजिटेड रहेगा तब तक उसे विजिट करेंगे, या तो उसको वर्टेक्स को क्यू में डालते रहेंगे. तो बेसिकली ये विजिटेड हो गया है, तो मार्क कर देते हैं इसे भी. एंड सो हमारा जो प्रिंट होगा, अभी आउटपुट क्या चल रहा है हमारा, आउटपुट है हमारा सी कोमा ए कोमा डी. अब नाउ क्यू से डी क्यू करेंगे, सॉरी अभी ए तक होगा, अब क्या करेंगे, डी क्यू से डी क्यू करेंगे डी को, एंड बचेगा क्या हमारा, बी. और जो हमारा प्रिंट होगा आउटपुट होगा वो क्या होगा हमारा, सी कोमा ए कोमा डी, क्योंकि सारे वर्टिसेस विजिटेड हो गया, ओनली डी क्यू करते रहेंगे. तो क्यू क्या होगा हमारा,
अब सारे विजिट हो गए, अब सबको डीक्यू कर दिया, तो बचेगा क्या, क्यू में नल, एंड प्रिंट क्या होगा हमारा, सी कॉमा ए कॉमा डी कॉमा बी। सो हमारा जो आफ्टर बीएफएस ट्रेवर्सल जो हमारा ग्राफ होगा वो ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह। सो सी से ए होगा एंड ए से ए टू बी होगा एंड देन फिर सी से ए टू एज होगी। तो जो ये एक्स्ट्रा की एजेस है जो उसे ग्राफ बनाती है उसे रिमूव कर देंगे और ये इसमें ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही बीएफएस ट्रेवर काम करता है, बेसिकली ये ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द बीएफएस ट्रेवर्सल फॉर ग्राफ। सो ये जो हमारा ये होगा ये ये जो हमारा होगा ये हमारा क्या होगा बेसिकली आउटपुट होगा सी ए डी बी। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द बीएफएस फॉर एनी ग्राफ एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।